फिलहाल तो मुझे ये जवाब देने पे पता नहीं क्या मजबूर करके कंट्रोवर्सी क्यों होगी, दो लड़कियों की कहानी है बट और दो लड़कियों की कहानी नहीं है, रिश्तों की कहानी है। दो लड़कियों के बीच एक भाई और बहन की कहानी है। हाँ, दो लड़कियों के साथ भाई भैया कहना चाहेंगे। इस फिल्म से मेरा ये डिजिटल डेब्यू है और इस फिल्म की स्टोरी के बारे में तो संतोष जी आपको बताएंगे, मगर डिजिटल डेब्यू संतोष जी आप इस फिल्म में इतना क्या बिजी हो गए कि आपने उन लोगों को तो पोस्टर में रखा और आपने मुझे नहीं रखा। मैं पोस्टर के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो मैं बताया आउट ऑफ इंडिया था, पोस्टर का सारा काम डायरेक्टर रोशन गैरी संभाल रही थी, इनकी टीम संभाल रही थी, रिसर्च टीम संभाल रही थी। शायद इन्होंने मुझे कल रात को ये जवाब दिया जब मैंने भी पूछा कि भाई जितनी इतनी फुटेज हमने मालवी और नवीना को इस फिल्म में दी है उसमें मालवी के भैया निखिल शर्मा को भी उतनी जगह दी है, लेकिन इनकी रिसर्च टीम ने ऐसा रिसर्च करके बताया कि लड़कियों के साथ इन लोगों को जो ये व्यूज देते हैं और देखते हैं ज़्यादा मज़ा आता है फिल्म देखने में। तो एनीवे पोस्टर भी बहुत अच्छा लगा मेरे को, बड़ा कैची पोस्टर है वो, और इस फिल्म की शूटिंग करते हुए बहुत मज़ा आया। घर वाला माहौल संतोष जी का, ये बैचलर हाउस है, ऑल इन वन पर्पस। कुछ लोग उसे कहते हैं छुपी डायरीज और कुछ उसे छुपी डायरीज नहीं कहेंगे क्योंकि वो जिस तरह से लिखा होगा तो वो चू से पी कर, तो अपना अपना नजरिया है। कहने का मतलब ये है कि whether it is about lesbians, whether it is about relationships, whether it is about love, हर किसी का अपना नजरिया है उस चीज को देखने का, हर किसी का अपनी सोच है। तो इस फिल्म के जरिए हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी सोच से इसे देखिए, अपने नजरिए से देखिए, शायद आपको पसंद आए, शायद आपको वो रिश्ता अच्छा लगेगा। वैसे वो दो लड़कियां हैं या वैसे जैसे संतोष ने कहा कि लड़कियां हैं या रिश्ते हैं या समाज की तरफ लड़की की तरफ उठती हुई वो नजरें हैं,
कि ओ लड़की रह रही है यहाँ पे, अच्छा क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, ये एक ये है गिद्ध की तरह, ये है वो गिद्ध हमारी फिल्म में, हम कौन, हाँ कौन, ये कौन, वो मुखबिर, वो खबरी, और इनकी भी अलग ही कहानी है। तो गिद्ध की तरह जो दुनिया एक लड़की की तरफ देखती है, एक अलग से रिश्ते की तरफ देखती है, ये कहीं ना कहीं हम उस तरह का एक मैसेज, जैसे आपने कहा कि पिछली कहानी में भी छोटी छोटी कहानियां होती है कि छोटे से ही उस वक्त में 5-7 मिनट के अंदर हमें किसी तरह से कोशिश ये करनी होती है कि हम किस तरह होल्ड कर सके अपनी ऑडियंस को और वो ग्रिप कर सके और अब जो कहना चाहते हैं, जिस तरह से उन्हें हंसाना चाहते हैं वो भी कर पाए। तो कोई सीरियस कहानी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, हल्की फुल्की सी हंसी है, हल्की फुल्की सी जिंदगी है। रोल मतलब जैसे अभी रोशन मैम ने और संतोष जी ने कहा कि समाज में ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा ना जानना होता है कि दूसरे के, हमेशा ना जानना होता है कि दूसरे के घर में क्या चल रहा है। हमारे घर में क्या चल रहा है सबको पता है, बट दूसरे के घर में क्या चल रहा है नहीं सबको जानना होता है। वैसा एक कैरेक्टर है मेरा जो हमेशा कुछ ना कुछ, अरे इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, जो बेसिकली खबरी बोलते हैं ना, जिसको अपना काम निकालने के लिए खबरें बेचो दूसरों को, वैसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। और जैसे रोशन जी ने उसे बहुत ही अच्छी तरह से बोलते हैं ना क्राफ्ट किया है और हमें अच्छा मौका मिला है जैसे वैसे बोलते हैं। संतोष आपने अच्छा होगा कि लास्ट टाइम जब इंटरव्यू किया था आपका, तो आपने बताया था कि ऐसा कोई कमर्शियल बेनिफिट अर्न करना आपका मकसद नहीं है और नए लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, लेकिन शॉर्ट फिल्म मेकर बोलिए, प्रोड्यूसर बोलिए, व्हाट इज द चैलेंजेस बेसिकली यू फेस एंड स्टार्टअप के तौर पर क्या होता है कि जब आप शुरुआत करते हैं इस चीज़ को लेकर, जब आपने शुरुआत की थी इसका 24/7 का, क्या मुश्किलें थी आपके लिए? सर मुश्किल काफ़ी हैं क्योंकि हमारी फिल्म की हीरोइन भी लेट आती है ये मुश्किल आती है। 5 बजे का टाइम है, कल मेरी हीरोइन मुझसे कहती है कि संतोष जी ऐसा क्या जरूरी है कि हमें ये फ्राइडे को ही रिलीज करना है। मैंने बाबा हिंदुस्तान के 100-150 साल के इतिहास में सलमान खान साहब की फिल्मों, शाहरुख खान साहब की फिल्मों, अक्षय कुमार साहब की फिल्मों, अजय देवगन साहब की फिल्मों, सारी फिल्में अभी तक फ्राइडे को रिलीज होती हैं। हमने भी कोशिश की फ्राइडे रिलीज करें, तो कह रहे हैं ये क्या जरूरी है कि 5 बजे रिलीज होगी। मैंने ये तेरा थोड़ा सा वाजिब है, चल तेरे लिए टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए यार थोड़ा पहले मिलने आते हो। इसके लिए ही सबसे मैं माफी मांग रही हूं। लेकिन 3 बजे करने के बाद से ही मैंने 3 बजे करने के बाद से लास्ट टाइम मुझे 1 घंटा रुकाया था ना। अच्छा नहीं कि मैं इसके लिए नहीं लेट आई हूं, आई जेन्युइनली गॉट स्टक इन ट्रैफिक, आई एम सो सो सॉरी। सुनिए आपके सवाल की तरफ चलता हूं कि परेशानी क्या कहती है, ये सब परेशानी है। लास्ट मिनट पे शूटिंग पे तो लेट नहीं आती ना, वो पूछ लो। लास्ट मिनट पे जब कोई करेक्टर कास्ट कर रहे होते हैं तो जो करेक्टर प्रयास ने प्ले किया है, आप समझिए उस करेक्टर का रिहर्सल हम यहाँ पर एक दिन पहले कर चुके थे, रोशन वॉज हैप्पी विद इट, बट पता नहीं क्यों, और मैंने कभी प्रयाग के साथ काम नहीं किया। ये मेरी एक दोस्त हैं भागश्री मोटे, बड़ी अच्छी मराठी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, ये उनके घर पे मुझे कभी गणपति के इवेंट पे मिल गए थे, उनके घर की गणपति पे, और वहाँ इनका नंबर मुझसे एक्सचेंज हुआ था, और मुझे ये उस दिन याद आए। फिल्म शूट करने से चंद 10 या 8 घंटे पहले रात 12 बजे, और मैंने ना फ़ोन किया तुम कल क्या कर रहे हो, बोले सर कुछ खास नहीं है बट थोड़ा काम है। मैंने कहा बेटा 3 घंटे निकाल सकते हैं, कह रहे सर करना क्या है, मैंने एक करेक्टर, बोले सर आपके लिए मुझे सिर्फ समझवा दीजिए, मैंने रोशन को 11 बजे नंबर भेजा है 12 बजे, और ये लैंड हो गए हमारे साथ में वहाँ पर। सो ये मुश्किल होती हैं कि प्रॉपर वो इंसान अगर दिमाग में बैठ जाए जिसे कास्ट किया जाना है, जो जस्टिफाई कर सकता है। मैंने पिछली बार भी कहा था आप किसी भी एक्टर को कुछ भी निभाने के लिए दीजिए, वो एक्टर वो निभा देगा, बट वो कितना उस करेक्टर को निभा रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। एज एन फिल्म मेकर, एज एन शॉर्ट फिल्म मेकर, एज एन प्रोड्यूसर मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास तो माशाल्लाह 75-100 एक्सक्लूसिव टैलेंट है बिनाकी के अंदर, जिसमें से मैं किसी को भी कास्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कौन उसमें मेरे उस किरदार के आसपास रियल जिंदगी जीता है। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि छुपी डायरीज के करेक्टर ये दोनों उसके आसपास जीते हैं, जीते भी हों तो मुझे पता नहीं, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी छुपी हुई चीज़ें हैं। बट हाँ वो छुपी हुई चीज़ें हैं जो कैमरे के सामने मैं तो लेके नहीं आऊँगा, अगर लवीना खुद लाना चाहे किसी रोज तो ला सकती है। तो मेरा सिर्फ ये होता है कि हाँ चुलबुलापन है करेक्टर के अंदर, करेक्टर के अंदर एक ऐसी लड़की की जरूरत है, तो मैं वैसा सोचता हूँ, और फिर मैं रोशन को पूरा फ्री हैंड देता हूँ कि मेरे दिमाग में ये एज एन प्रोड्यूसर कास्टिंग है, यू गो मीट विद दीज एक्टर्स, फाइंड देम वेदर दे आर इन योर करेक्टर। तो चैलेंजेस हैं, लास्ट वीक शूट करना, इस हफ्ते रिलीज करना, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चैलेंज होता है, चाहे 7-10 मिनट का ही कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि हमारी पहली फिल्म है जो
सात मिनट की जगह हम 10:30-11 मिनट के आसपास लेके जाए, हमने थोड़ा सा अपना लेंथ बढ़ाया है। और फिर मेरे बाहर होने के बावजूद जो आपने कहा चैलेंजेस, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन मेरा एक्टर बिजी होता है रात में, वो कहीं कहीं और सो रहा होता है और उसको तो आज सुबह के 2 बजे तक पता नहीं होता। और फिर मेरी टीम 2 बजे अगर फ़ोन करे तो वो कहता है मुझे तो पता ही नहीं है, तो फिर मैं कहता हूँ भाई मैंने स्वयं कोऑर्डिनेट किया है, ग्रुप पे डाला है, गुरुजी पढ़ लिया होता फिर ये पहुँच जाते हैं। अच्छे तो चैलेंजेस बहुत हैं, चैलेंजेस अनलिमिटेड हैं, बस पार पाना है और आप सब तक कॉन्टेंट पहुँचना है। आप बताइए कितना एक्टिंग पोटेंशियल शोकेस करने का मौका मिला, 10-12 मिनट्स की ये फिल्म है, तो क्या पोटेंशियल शोकेस किया आपने और कितना टर्निंग पॉइंट मानती है अगर आपका ये कैरेक्टर पसंद आएगा लोगों को? टर्निंग पॉइंट तो आई थिंक एज इन दिस इज समथिंग दैट आई हैव नॉट डन दैट ऑफन। यूजुअली मैंने टीवी शोज किए हैं जो सालों सालों तक चलते हैं एंड इट्स 30 मिनट शो एपिसोड दैट वी हैव टू डिलीवर। सो जितना अर्जेंसी जितना रश उस वक्त होता है और जितना सीरियसनेस से हम शूट करते हैं वो यहाँ दिस इज़ मोर ऑफ फन। मतलब आई थिंक वी ऑलवेज ट्राई एंड शूट इट ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैम को मालूम होता है कि अच्छा इफ यू आर शूटिंग 3 टुडे वी हैव डेडिकेटेड दिस टाइम टू अ पर्टिकुलर थिंग, बट उसमें भी ट्राई एंड फाइंड आउट द फन एलिमेंट ऑल्सो। आई थिंक जो हमारा जो सीन अगर आप जब देखेंगे आज, सो उसमें आई थिंक एवरीबडी वाज एंजॉयिंग इट, मस्ती करने वाले। लेकिन जिस दिन हम रिहर्सल कर रहे थे उस दिन सबकी तरफ से ना ना था, ये नहीं करना मैम कोई और स्टोरी करा लेंगे मैम, ये नहीं करना मैम ऐसे नहीं करना, बिकॉज सी इफ समथिंग दैट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देन इट्स आई थिंक इट्स बेटर टू जस्ट सेट आउट क्लाउड करने के बाद यू आर कंफर्टेबल। I will talk about that with you later on. But yes, coming back to your question, it's been fun with both of them. Like all, this is my third story that I'm doing. इसके बाद एक और आने वाली है. So yeah, it is different from TV and other mediums that I am doing. So I'm looking forward to doing more with ma'am and sir. Thank you.